स्वागत है आज की इस वीडियो पर। दोस्तों जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि यार मेरे पास दो चीज़ें हैं, दोनों ही संभल नहीं रही है। एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है और फिर घर में मार भी पड़ती है। तो गाइस आज का जो मेन टॉपिक है वो है गाइस कि स्टडीज़ और क्रिकेट को कैसे मैनेज किया जाए। तो गाइस ये एक मतलब कि इतना खतरनाक टॉपिक है, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अगर आप जान लेते हो तो आप स्टडीज़ एज वेल एज क्रिकेट में आगे बढ़ सकते हो। तो गाइस मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, किससे आपका बढ़िया एक मैनेजमेंट हो जाए। चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटी है उसे बजा लीजिए और मेरे इस वीडियो का मजा लीजिएगा। तो गाइस देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टडीज और क्रिकेट, ठीक है। अब बेसिकली जो इसको मैनेज करना चाहता है वो बेसिकली बनना चाहते हैं क्रिकेटर, तो इसलिए मैनेज करना चाहते हैं स्टडी को। वो चाहते हैं कि वो क्रिकेट में भी बढ़िया करे, वो तो उसमें लाजमी सी बात है वो बढ़िया करे, और लेकिन स्टडी में भी बढ़िया मार्क्स ले आए जिससे एक इधर भी स्कोप बना रहे। तो बेसिकली गाइस जो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो सबसे पहला जो तरीका है, जो जेन्युइन सा तरीका है, वो है गाइस कि अपने रूटीन को एकदम कंपोज्ड बना के रखिए। गाइस देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये बात है कि कंपोज कैसे बनाया जाए। कंपोज मतलब होता है कि गाइस अपने रूटीन को एकदम सटीक रखना, सही रखना, उससे हटकर काम नहीं करना, मतलब एकदम उस पर ही फोकस कर रहा है। बेसिकली गाइस देखिए हमारे पास 24 घंटे होता है जिसमें हम 6 घंटे स्कूल में जाते हैं या फिर कॉलेज जो भी है, और 7 घंटे सोते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइम जरूर होता है, उसके बाद हमें पढ़ना पड़ता है, खेलना पड़ता है और खाना उसमें सब कुछ पड़ता है। तो बेसिकली गाइस सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपको एक रूटीन बना लेना चाहिए अपने लिए। देखिए अब आप लोग क्रिकेट में कितना टाइम दें, तो मैं बोलूँगा 4 घंटे आप क्रिकेट में अगर टाइम देते हो तो स्टडी में आप 2 घंटे दे सकते हो। ये एक बढ़िया सा कंसेप्ट है और जो यहाँ पर इसको जो फॉलो कर लेगा, जो रूटीन एकदम सही साफ सुथरा बढ़िया तरीके से इसको फॉलो करेगा हमेशा, उसका ये कभी इशू नहीं रहेगा कि मुझे मतलब कैसे मैनेज करना है स्टडीज़ और क्रिकेट, ठीक है। मैं तो आसानी से मैनेज कर लेता हूँ। अब गाइस जो दूसरा इम्पॉर्टेंट आता है कि अगर आप स्टडी को मैनेज करना चाहते हो तो गाइस देखिए आप स्कूल अगर जाते हो तो स्कूल में मन लगा के जरूर सुनिए टीचर लोग के जो भी पढ़ाते हैं, क्योंकि पता है गाइस हम जो सुन लेंगे तो वहीं पर हमारा 30% काम हो जाता है, ठीक है। आपको और ज़्यादा अगर घर में आप सिर्फ उसे पढ़ लेते हो तो ये 100% हो गया। अगर आप टीचर के कहे हुए इस लेक्चर को बढ़िया तरीके से सुन लेते हो क्लास में मन लगा कर, तो आपको फिर अगर घर में आप नहीं पढ़ते हो फिर भी काम चल जाएगा। तो आपको अगर आप जाते हो आप तो क्या कर सकते हो, आपको एकदम ध्यान से सुनना चाहिए, आपको मन लगाकर टीचर के लेक्चर जरूर सुनने चाहिए जिससे आपका जो आधा का काम है वो पहले ही ख़त्म हो जाए। तो ये आप एक जरूर यहाँ पर ट्राई करिएगा, ठीक है, कि उस पर मन लगा के पढ़ना जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो। अब गाइस जो तीसरा पॉइंट आता है वो है गाइस कि आप अपना ऑफ टाइम रख सकते हो। बेसिकली गाइस ऑफ टाइम मतलब अगर कभी कभी लगता है कि स्कूल में उतना कुछ खास है नहीं तो आप एक दिन लीव कर सकते हो, स्कूल अफोर्ड कर सकते हो अगर आपको क्रिकेट को मैनेज करना, और उस दिन एकदम ट्राई करना कि 7 से 8 घंटे मुझे क्रिकेट को देना है। तो बेसिकली गाइस यहाँ पर कुछ तरीके थे। अब गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना नहीं चाहिए जिससे आप स्टडीज़ और क्रिकेट को मैनेज कर पाओ, ठीक है। सबसे पहले गाइस जो टेक्नोलॉजी से दूर रहिए, सोशल मीडिया ये सब अगर आप करते हो तो शायद आप वो जो आप परस्यू करना चाहते हो अपना ड्रीम ना वो नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली गाइस अगर आप टेक्नोलॉजी में ज़्यादा देख रहे हो, सोशल मीडियाज पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो आपका टाइम वैसे भी वेस्ट होने वाला है, क्योंकि लीजर चीज़ें अगर आप करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर फंडा यही है कि आप अगर ये सब करते हो तो यार बेसिकली आपका काम वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो सोशल मीडिया पर हटाओ नज़र, जो आपका काम है वो करना है। अब एक मैं रूटीन बताता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं गाइस एक रूटीन, जैसे कि मान लीजिए 7 घंटा कोई बंदा सोए, कोई भी है 7 घंटा सोया, ठीक है। 7 घंटे सोकर उसने 7 घंटे उसने आराम करी, नींद करा, ठीक है, 7 घंटे स्लीप। अब 6 घंटा स्कूल, 13 घंटा हो गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 2 घंटा पढ़ाई, चलो 2 घंटा पढ़ाई रात को तो खेल आप सकते नहीं हो, तो रात को अब क्या, ठीक है, तो 7 से 13 तो 15 घंटा हो गया, ठीक है। अब 15 घंटा में 4 घंटा क्रिकेट, 19 घंटा हो गया। अब आपके पास 5 घंटे बचते हैं, 19 × 5 = 24 होता है, ठीक है। तो 5 घंटे में से 2-3 घंटे चलिए मान लेते हैं कि बाथरूम ट्यूशन वो भी वो सब हो गया, और 1 घंटा बचा तो वो में भी चल गया। तो ये गाइस होता है कंपोज टाइम टेबल, इसको आप फॉलो कीजिए, आपके हिसाब से आप फॉलो कीजिए, कंपोज बनाइए अपने आप को, हमेशा लीजर चीज़ें व्यस्त मत कीजिए अगर आप बनना चाहते हो क्रिकेटर,
और स्टडी को भी परस्यू करना चाहते हो। बेसिकली 2 घंटा अगर आप पढ़ लेते हो और स्कूल में मन लगा के पढ़ लेते हो तो ये सब मैनेज करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं भी मैनेज करता हूँ यूट्यूब वीडियोस बनाकर भी। तो गाइज यहाँ पर ये सिंपल सा फंडा है कि मैनेज कंपोज टाइम टेबल और जो भी मैंने चीज़ें बताई उसको फॉलो कीजिए। ज़रूर आप टाइम टेबल को फॉलो जरूर आप स्टडीज़ क्रिकेट को मैनेज कर पाओगे। तो बस गाइज इतना ही वीडियो था, पार्ट 2 भी आने वाला है जल्द इसके बाद कुछ दिनों बाद। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।